Hey, what's up? This is Khushboo with another question of arithmetic progression. This is question number 4 from exercise 5.1. Page number 99 from NCERT. Question is, which of the following are APs? पहले मैं चेक करना है AP कौन-कौन से हैं इसमें. If they form an AP, then find the common difference and write next three terms. So, सबसे पहले part number 4. हमारे पास में common difference निकाल के पहले हम चेक करते हैं कि वो AP है या नहीं. So, this is first term, second term, third term, fourth term. Common difference निकालने के लिए A2 minus A1. Second term में से first term को minus करते हैं. बाद वाले में से पहले वाले को. Second term minus 6 है. फिर एक negative sign और A1 is minus 10. Minus 6, minus minus plus. करके आ गया 4. Same way, common difference of A3 minus A2 करके चेक करेंगे. So, यहाँ पर minus 2 minus minus 6. माइनस टू प्लस सिक्स मीन्स प्लस माइनस मीन्स 4. दोनों कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखिए तो सेम आ रहा है. सो इट इज एन एपी. इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है. सो नेक्स्ट टर्म 1, 2, 3, 4. चार टर्म्स ये बने तो टर्म नंबर 5 फॉर्मूला होगा ए प्लस 4d. सो फर्स्ट टर्म इज माइनस 10 प्लस 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4. सो माइनस 10 प्लस 16 मीन्स आ गया ये 6. सो हमारे पास इसकी नेक्स्ट टर्म आ गई 6. सेम वे टर्म नंबर 6 वो होती है ए प्लस 5d. सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस 10 प्लस 5. कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 4. माइनस 10 5 4 से 20 प्लस माइनस माइनस करके आ गया 10. नेक्स्ट टर्म A7 विच इज ए प्लस 60. तो 7 टर्म के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस 10 प्लस 6 डी इज 4. सो माइनस 10 प्लस 24 ये आ गया हमारे पास 14. सो हमारे पास ये टर्म आ गई 14. सो वे नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी थी और कॉमन डिफरेंस हमारा था 4. पार्ट नंबर 5 कॉमन डिफरेंस अगेन A2 माइनस A1. ये सेकेंड टर्म है पूरी हमारी, ये हमारी फर्स्ट टर्म है. 3 प्लस रूट 2 A2 है. माइनस A1 इज 3. माइनस 3 से 3 कैंसिल बचा रूट 2. सेम वे इसमें और इसमें निकालना है. डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2. A3 है हमारे पास ये 3 प्लस 2 रूट 2 है माइनस A2 है ये. अब दूसरी टर्म पूरे मतलब दो चीजें दी हैं उसको तो ब्रैकेट में लिखोगे 3 प्लस रूट 2. सो दैट इसके साइन चेंज जाएंगे बिकॉज आर नेगेटिव साइन है. सो माइनस 3 माइनस रूट 2 ये दोनों कैंसिल. 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करके आया रूट 2. अगेन कॉमन डिफरेंस इज सेम. सो दिस इज एन AP. अब AP सीरीज है तो इससे हम इसकी बाकी की टर्म्स निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. अब मैं निकाल ली हूँ फिफ्थ टर्म. सो A5 क्या आएगा? A प्लस 4d. फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस 4. कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है रूट 3. सो यहाँ पर 3 प्लस 4 रूट 2. सो नेक्स्ट हमारे पास आ गई यहां से 3 प्लस 4 रूट 2. सेम बेस नेक्स्ट आ गई है A6. ए प्लस 5d. अगेन हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे विच इज 3 प्लस 5 और d इज रूट 2. सो 5 इंटू रूट 2 इज 5 रूट 2. सो 3 प्लस 5 रूट 2 आ गई हमारी नेक्स्ट टर्म. सेम वे आप नेक्स्ट टर्म के लिए ऐड करोगे तो आपके पास आएगी 3 प्लस 6 रूट 2. इस तरह से बनती है हमारी AP सीरीज. अब हमें चेक करना है लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6. कॉमन डिफरेंस अगेन A2 माइनस A1. A2 ये है हमारा 0.22 और A1 है 0.2. सो 0.22 माइनस 0.2 ये करके हमारे पास आता है 0.02. सेम वेज हम करेंगे A3 माइनस A2. A3 हमें बने ये 0.222 माइनस 0.22 तो ये आएगा 0.002. नाउ हमारा कॉमन डिफरेंस ये और ये सेम नहीं आ रहा. दैट मीन्स द सीरीज इज नॉट एन AP. देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP. तो AP सीरीज नहीं है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड नहीं करेंगे. हमें इसके नेक्स्ट टर्म्स भी नहीं निकालना. दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1.
In case कोई भी doubt हो, please do write to us and do watch the next video for more parts of this question. Goodbye.